NCERT द्वारा प्रस्तुत है दसवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग दो में संकलित सुप्रसिद्ध लेखक देवेंद्र सत्यार्थी की कहानी अन्न देवता। तब अन्न देव ब्रह्मा के पास रहता था। एक दिन ब्रह्मा ने कहा, ओ भले देवता, धरती पर क्यों नहीं चला जाता? इन अल्फाज के साथ चिंतू ने अपनी दिल पसंद कहानी शुरू की। गोंडों को ऐसी बीसियों कहानियां याद हैं। वो जंगल के आदमी हैं और ठीक जंगल के दरख्तों की तरह उनकी जड़ें धरती में गहरी चली गई हैं। मगर वो गरीब हैं, भूख के पैदाइशी आदि। हल्दी बोली, सुना है अब तो देवता धरती के बीचों बीच कहीं पाताल की तरफ चला गया है। चिंतू ने फटी फटी आंखों से अपनी बीवी की तरफ देखा। ऐसा भयानक काल उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। धरती बंजर हो गई थी। साल के साल हल्दी अन्न देव की मन्नत मानती थी। एक हल्दी पर ही बस नहीं, हर एक गौंड औरत ये मन्नत मानना जरूरी समझती है। मगर इस साल देवता ने एक ना सुनी। हल्दी बोली, अन्य देव ने मेरी कोख हरी की, और वो भी भूख में और लाचारी में। क्या करें? ये कहानी जो मैं आज की तरह 100-100 बार सुना चुका हूँ, अब तो मुझे निरी गप मालूम होती है। हजी अन्न देव को नहीं मानते, पर भगवान को तो मानोगे? अरे मेरा दिल तो तेरे भगवान को भी ना माने। कहाँ है इसके मेघराज, और कहाँ सो रहा है वो खुद? एक बूंद भी तो नहीं बरसती। देवता से डरना चाहिए और भगवान से भी। जब मैं छोटी थी तो माँ ने कहा था, देवता के गुस्से से सदा बचो। हरी हल्दी, कहा तो मेरी माँ ने भी कुछ ऐसा ही था, पर कब तक लगा रहेगा ये डर? बोल। ये काल कब जाएगा? जब हम मर जाएंगे, और ना जाने तब भी ना जाए। रात गमजदा औरत की तरह पड़ी थी। काल ने हल्दी की सारी सुंदरता छीन ली थी। चिंतू भी अब अपनी बहार को भूल रहा था। दरख्त अब भी खड़ा था, मगर टहनियां पुरानी हो गई थीं और नई कोपलें नजर नहीं आती थीं। बिसाखू के घर रुपए आए तो हल्दी उसे बधाई देने आई। हजी बधाई हो, बिपता में 25 भी 500 हो गए हैं। रामू सदा सुखी रहे। अन्य देवता से तो रामू ही अच्छा निकला। देखो जी, देवता कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, आदमी को तो अपना दिल ठीक रखना चाहिए, अपने बोल बचन संभालने चाहिए। अरी हल्दी वाह, अब भी अन्य देवता का पीछा नहीं छोड़ती। बैठे रहो यहीं।
गुस्से में जली भुनी हल्दी अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। रामू बंबई में था। चिंतू सोचने लगा, काश उसका भी भाई वहां होता और 25 रुपए नहीं तो 5 ही भेज देता। झोपड़ी में वापस आया तो चिंतू ने हल्दी को बेहोश पाया। हल्दी, ए हल्दी, लो सोई पड़ी है। हल्दी उठना, हल्दी, हल्दी, ए हल्दी, ए चल उठ। हल्दी, ए हल्दी, हल्दी, देख 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 मैं क्या लाया। साथ, मैं साथ आना लाया हूँ हल्दी, साथ आना। हाँ, आग जलेगी, खाना बनेगा, ढेर सारी रोटियां खाएंगे। चल चल चल, आग जला, चल। उठना हल्दी, ए हल्दी, ए हल्दी, देखना, देख साथ आना लाया हूँ। बैसाखू ने दिया, एक सच कहता हूँ, मैंने उससे नहीं मांगे, ना तेरी कसम, सच, हाँ मैंने उससे नहीं मांगे, ना उठ, उठ, भूख से जान निकली जा रही। हल्दी उठ ना, ए हल्दी, हल्दी उठ, उठ, हल्दी। चिंतू का चेहरा देखकर हल्दी को सूखे पत्ते का ध्यान आया जो टहनी से लगा रहना चाहता हो। दूर एक बदली की तरफ देखती हुई बोली, काश, काश बूंदा बांदी हो जाए। मगर तेज हवा बदली को उड़ा ले गई और धरती बारिश के लिए बराबर तरसती रही। काल ने जिंदगी का सब लुत्फ बर्बाद कर दिया था। मालूम होता था जैसे धरती रो देगी। मगर आंसुओं से तो सूखे धानों को पानी नहीं मिलता। अन्नदेव को यह शरारत कैसे सूझी? मान लिया कि वो खुद किसी वजह से किसानों पर नाराज हो गया है, मगर बादलों का तो किसानों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो क्यों नहीं घिराते, क्यों नहीं बरसते? काश वो देवता की तरफदारी करने से इनकार करते। चार एक छोटा सा गांव है। उस रोज यहां 200-300 गोंड जमा हुए। फटके साहब और मुंशी जी धान बांट रहे थे। अपने हिस्से का धान पाकर हर कोई देवता की जय मनाता। अन्नदेव की जय हो, अन्नदेव की जय हो। चिंतू गांव की पंचायत का दायां बाजू था। धान बांटने में वो मदद दे रहा था। लोग उसकी तरफ एहसान मंदाना निगाहों से देखते और वो महसूस करता कि वो भी एक जरूरी आदमी है। मगर लोग देवता की जय जयकार क्यों मनाते हैं? वो खुद भी शायद देवता है और शायद अन्य देव से कहीं ज्यादा है। लेकिन कहत सभा से मिला हुआ धान कितने दिन चलता? चिंतू के चेहरे पर मौत की धुंधली परछाइयां नजर आती थीं। मगर वो देवता से न डरता था। कभी कभी घुटनों के बल बैठा घंटों गैर शौरी तौर पर गालियां दिया करता। देवता तो अब धनवानों का हो गया है,
मैं न मानूं ऐसे देवता को। पर नहीं, मेरा देवता तो सबका है। चिंतू की नुक्ताचीनी हल्दी के मन में गम घोल रही थी। उसने झोपड़ी की दीवार से टेक लगा ली और धीरे धीरे अच्छे वक्तों को याद करने लगी, जब भूख का भयानक मुंह कभी इतना ना खुला था। वो खुशी फिर लौटेगी, देवता फिर खेतों में आएगा। उसके मन में अजब कश्मकश जारी थी। देवता और पापी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो बाहर चला गया तो क्या हुआ? कभी तो उसे याद आएगी ही, कभी तो वापस आएगा। देवता पापी नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, अब देखो जी, सच मानो देवता फिर आएगा यहाँ। हाँ, उस दिन रामू बंबई से लौट आया। उसे देखकर हल्दी की आंखों को एक नई जबान मिल गई। वो बोली, रामू भाई, और सुनाओ, बंबई में देवता को तुमने तो देखा होगा ना? रामू खामोश रहा। मेरा ख्याल था कि रामू ने बंबई में मजदूर सभा की तकरीरें सुन रखी होंगी और वो साफ साफ कह देगा कि अन्न आदमी आप उपजाता है, अपने लहू से, अपने पसीने से। अगर आदमी आदमी का लहू चूसना छोड़ दे तो आज ही संसार की काया पलट जाए। काल तो पहले से पड़ते आए हैं, बड़े बड़े भयानक काल, मगर अब सरमायादार रोज रोज किसानों और मजदूरों का लहू चूसते हैं और गरीबों के लिए अब सदा ही काल पड़ा रहता है। और ये काल छूमंतर से नहीं जाने का, इसके लिए तो सारे समाज को झिंझोड़ने की जरूरत है। हल्दी फिर बोली, अरे रामू भाई, चुप्पी क्यों साध ली तुमने? बोलो ना रामू भाई, अरे हमें कुछ बता दोगे तो तुम्हारी विद्या तो ना घट जाएगी? बंबई में तो खूब बरखा होती होगी, पानी से भरी काली उदी बदलियां घिराती होंगी चारों तरफ, और बिजली चमकती होगी उन बदलियों में, है ना रामू भैया? और वहां बंबई में देवता को रत्ती भर भी कष्ट ना होता होगा, है ना रामू भैया? बोलते क्यों नहीं हो रामू भैया, बताओ ना। रामू के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा होने के फौरन बाद किसी कदर संजीदगी में बदल गई। वो बोला, हां हल्दी, अन्नदेव अब बंबई के महलों में रहता है, रुपयों में खेलता है। आंसू की एक बूंद जो हल्दी की आंख में अटकी हुई थी उसके गाल पर टपक पड़ी। हल्दी खामोशी से अपने बच्चे को थपकने लगी। शायद वो सोच रही थी, क्या हुआ, कभी तो देवता को घर की याद सताएगी ही और फिर वो आप ही आप इधर चलाएगा। हाँ, चलाएगा। अन्न देवता। अभी आप सुन रहे थे
सुप्रसिद्ध लेखक देवेंद्र सत्यार्थी की ये कहानी। कलाकार परवेज गौहर, शमाइला परवेज और रक्षित। ध्वनियांकन बटिलंग लिंगडो। निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल। निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।